बचपन में जब कोई पूछा करता था कि बेटा एग्जाम कैसा गया तो तुरंत बोल दिया करता था जी बहुत अच्छा अब इस लाइन का बोलने के पीछे का कारण एग्जाम का अच्छा होना नहीं था बल्कि जिन्होंने सवाल पूछा था उनसे अपनी जान बचाना था इस बात के जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि असलियत सबको पता होती है पर जवाब डिपेंड करता है इंसान और सिचुएशन पर और ये बात राजस्थान के बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी अच्छी तरह समझ चुके हैं आने वाले चुनाव के बारे में जब दोनों से पूछा जाता है तो दोनों ही अपनी पार्टी के जीत के दावे करते हुए नजर आते हैं नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद दरअसल कोर्ट की दखल के बाद प्रदेश नगर निगम चुनाव के मुद्दों ने तूल पकड़ लिया है इन चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर और कोटा के छह नगर निगमों के चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के लिए कड़ी चुनौती होगी प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल में पहला मौका होगा जब इस तरह से तीन बड़े शहरों के छह नगर निगम चुनाव पार्टी कि उनके नेतृत्व में लड़ेगी ऐसे में पार्टियां चुनाव लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए सबसे अधिक खतरा है भीतरघात का गुटबाजी से जिस पार्टी को निजात मिलेगी उसका ही पलडा भारी रहेगा इन तीनों जिलों में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की साख भी दाव पर लगेगी सांसद सांसद प्रत्याशी विधायक विधायक प्रत्याशी और संगठन के नेताओं को जीत के लिए काम करने की जिम्मेदारी देगी कांग्रेस के नगर निगम चुनाव जीतने के लिए पहले ही प्लान तैयार कर लिया था इसके तहत नगर निगमों को दो हिस्सों में कर, तीन की जगह नगर निगम तैयार करवाए गए थे मेयर का चुनाव कुल मिला के ये कांग्रेस की रणनीति का एक पार्ट था ताकि डेवलपमेंट के साथ साथ कांग्रेस के पक्ष में समीकरण बन जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया लगातार मारवाड़ व जोधपुर के दौरे पर हैं इसके अलावा जयपुर व कोटा के लिए खास रणनीति मना कर तैयार की गई है नगर निगम चुनाव से अब ऐसे में देखना ये है कि बीजेपी ये ट्रेन तोड़ पाएगी या नहीं उधर कांग्रेस भी अपनी सरकार की इज्जत बचाने की चुनौती बनी हुई है प्रदेश में तबादलों के लिए आवेदन किए जा रहे हैं ऐसे में माना जा रहा है कि आचार संहिता लगने के चलते चलते तक संभव नहीं दिख रहा। दरअसल ग्राम पंचायतों रहेगी। इसके बाद जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम चुनावों की आचार संहिता लगेगी इस दौरान पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव के दौर चलेंगे इस बीच एक निकाय के दौर भी शुरू हो जाएंगे ऐसे में माना जा रहा है कि तबादलों का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ सकता है दोनों ही प्रदेश अध्यक्षों ने आने वाले चुनाव पर अपने अपने विचार रख दिए हैं जिसमें डोटासरा ने कहा निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने का कांग्रेस की तैयारी पर कोई फर्क नहीं आएगा हम दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार थे कोरोना संकट को देखते हुए चुनाव स्थगित करना चाहते थे लेकिन अब चुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह तैयार है गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस वहीं सतीश पुनिया भी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए बोले जयपुर जोधपुर का माहौल देख चुके हैं प्रदेश में सभी जगहों पर कांग्रेस सरकार के प्रति बेहद नाराजगी है ऐसे में चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम बीजेपी के पक्ष में जाएंगे बीजेपी चुनाव को लेकर तैयार है और कांग्रेस को हराने के लिए एकजुट होकर खड़ी है सतीश पुनिया अब देखना यह है कि इस चुनाव के जरिए सतीश पुनिया या गोविंद सिंह डोटासरा में लगी अनदेखी रेस में से जीत किसकी होगी यदि राजस्थान की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को